अरे वॉकिंग स्ट्रीट के सामने देख कौन मिला भैया, चाय बना दो जरा। हिंदी बोल ले, कह रहे आ जाओ भैया। मैं यार कुछ अजीब सा सुनाई दिया एक नाम ये रहा भाई। साथ में आपको एक रशियन क्लब की भी झलक दिखा देता हूँ। और मजे की बात यह है कि पुलिस भी यही घूम रही है। कार्ड नहीं आया? कार्ड नहीं भाई, कार्ड इन्हें वापस दे दिया होगा। कहाँ दिया? अब मैं बताऊँ उस कार्ड में क्या दिक्कत हुई। अब नहीं आने। अरे ये तू तो ले ले अपने, वो टंग रहे तेरे पीछे। अरे तेरे तो वो आवेगी वी शेप वाली, मैं तो लाया यो आवेगी वो पिंक वाली। 600 दे दे। 500 बात है कोई से यार, इसमें से पूरा मार। 500 मेरे पैसे तो फ्री के दिए। 100 दे दे, 120 समझ भी तो नहीं आती, वो करेंसी देख के देनी पड़े नेगोशिएशन के लिए। 620 एक बंदे ने किसी चीज का मतलब प्राइस बताया, अच्छा भाई बता रहा अभी भाई, अभी बता रहा निकल गया। नहीं तो कल तीन पन्नी पकड़ा दी थी, तीन चला गया चल एक, एक साइड की तीन पन्नी चला गया। सुन उसका कलर देखिए, एक तो इस कलर की गाड़ी देख के लगेगी पुलिस आ गई। कल वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट पे पुलिस घूम रही है और वहीं बाहर चल रहे दबा के। भाई मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा इसमें बच नहीं रही, लेकिन मैं शो ऑफ करने के लिए दिखा रहा हूँ। किंग अंकल जा रहे थे गाने बजाते हुए, तो बाइक पर क्या ही रख रहा था, इतना म्यूजिक आ रहा था जो। हाँ स्पीकर लग रहे थे उसकी बाइक। आपने बताया, आपने रॉकेट साइंस क्रैक कर दी ब्रो, कांग्रेचुलेशन। आप तो मेरे ब्रेन में घुस गए। लेकिन यार पताया बहुत ही अंडररेटेड है। हाँ पताया यार लोग बैंकॉक को बहुत तगड़ी समझे हैं, लेकिन मैं अब तक कहूंगा कि बैंकॉक के अंदर फैसिलिटी ज्यादा है, पर पताया देखने के हिसाब से बेस्ट है। मजा आया पताया, नेचर और सिटी का एक बहुत ही बैलेंस मिश्रण है पताया। सारी जानकारी अंधेरे में रेडे में दे दू। अरे वॉकिंग स्ट्रीट के सामने देख कौन मिला भैया, चाय बना दो जरा। हिंदी बोल ले, कह रहे आ जाओ भैया। मैं यार कुछ अजीब सा सुनाई दिया एक नाम ये रहा भाई। चाय अरे मजा आ गया भाई। समोसे समोसा आओ भाई यार, कोई बाहर वॉकिंग स्ट्रीट मिल जाना मुझे आवाज आई। आओ भैया आओ, मतलब भैया अली पत्ती कम रखना यार, पाव तो बड़े सॉफ्ट है। कहीं भी मन नहीं मान रहा था मेरा खाने को, पर यहाँ तो अच्छा एक वो चीज भी तो है, गांजा यहाँ पे लीगल है और एक सामने शॉप। अच्छा यहाँ पे लीगल है? अरे वाह यार, रही शॉप एक बार जूम कर उस पे जा, पी ले जाके फिर। यहाँ पे प्याज ऐसी है मुझे लग रहा खीरा है। नहीं, ये नहीं, प्याज सफेद आके देगा। मैं छोड़ा है चिकन के साथ दी थी उन्होंने प्याज थी वो। अच्छा मैं पत्ता गोभी सोच रहा था। अगर कोई गलती से थाईलैंड आ गया तो मैं रिव्यू दे रहा कि ये पाव भाजी कैसी है। ये तो इंडिया में भी नहीं खाई। बढ़िया यार। Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop. ये असली छिनाले वाली जगह बताया के अंदर। यहाँ पे ऐसा है कि दो बॉक्सर रहते हैं, उसमें से एक एक पे अपने पैसे लगाओ, फाइट होस्ट करो, साथ में तुम ड्रिंक भी कर सकते हो। लेकिन ड्रिंक हम करते नहीं और फाइट के पैसे इतने मांग रहे हैं लगाने वाले है। मगर तेरे वाले को हरा देंगे। हाँ फिर तो बॉक्सर सारे इनके ही है ना, बॉक्सर ही नहीं गए। यानी कि सट्टा लगाना हुआ फाइटर्स पे। यार पैसे के लिए किसी को लड़वा रहे तुम यार, हद हो गई यार। हाँ पैसों के लिए लड़ना तो बेस्ट है। सामने लाइव मैच देख के मजा आ गया। हाँ तो फिक्स, लेकिन लेट आ गई एंड में बेचारा। हाँ लेट आ गई लात लगने के बाद, टोंग भर रहा था। पर यार कुछ मल्टीपल सी वाइब है यहाँ की। हाँ कहीं पे भी कुछ भी रेंडमली दिख सके। और मैं यही बता रहा था, चलो होटल जाके बताऊंगा थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बात, तो होटल जाके बताऊंगा। जो यहाँ पे स्ट्रीट का कन्फ्यूजन है ना, वो हम सारी में घूम दिए तो मैं क्लियर कर दूंगा। फैमिली के साथ कहाँ आना चाहिए और बैचलर्स मतलब जो बैचलर वाले हिसाब से आया उसे कहाँ जाना चाहिए। ओपन है लेकिन यार मैं कहूँगा काफी खुशियाँ हैं सड़क पे। हाँ पर कोई डागा को सुसु करने जाना उसके लिए भी 10 बात मांग ले रेस्टोरेंट वाले ने। पहले खुआ पियाओ और जब उसका मुंह आ जाए तो 10 बात और चार्ज करो। नोट का हिसाब ले लो भाई। तू बहुत गलत जगह आके क्लब की डिमांड कर रहा है, एक सोबर क्लब की। यहाँ पे क्लब किस बेसिस पे बने समझ जा तू, तो वहाँ पे तुझे सोबर क्लब नहीं मिलने के। सोबर तो बस ये ओपन उसमें बैठ के अपना खा पी ले और अपना गोवा की तरह 800 वाला स्पीकर ले ले रहे वो बजाओगे। पर हाँ यहाँ पे एक
भी ऐसा क्लब नहीं है जिसमें तुम फैमिली के साथ चले जाओ, सब लूट पिसाच वाले ही हैं। यहाँ पे जितने भी क्लब्स हैं ना उनका एक रिचुअल है कि वो ना क्लब के बाहर जरूर, दिल्ली नोएडा में तो लड़के खड़े हों बुलाने के लिए, यहाँ पे रिचुअल है यहाँ पे ना लड़कियाँ खड़ी हों बुलाने के लिए, मतलब क्लब के अंदर जो भी बेस्ट लड़कियाँ होंगी 8-10 उन्हें अपना बढ़िया बाहर खड़ी कर दें और फिर अक्षित जैसे लड़के भाग के जावे वहाँ। लेकिन अक्षित जैसे को हमने पहले ही बता रखा कि भाई क्लब के अंदर यहाँ पे क्या हो, आपकी ड्रिंक के साथ ना अगर लड़की आके डांस कर रही तुम्हारे आसपास उसका बिल कट जा। नहीं मैं तुझे नहीं कह रहा, बट तूने मेरे से पूछा था ना यहाँ पे नोएडा जैसे क्लब है क्या, मैंने तुझे वही तो बताया था क्या फर्क है दोनों में। तो यहाँ ड्रिंक के साथ साथ लड़की का भी बिल पे करना पड़े। और रजित के जस्ट पीछे आपको दिख रहे होंगे लेडी बॉयज, इनकी बहुत इजी पहचान है, इनका ये रहता है एडम्स एप्पल, लड़कियों का ये नहीं रहता। यहाँ पे मैंने एक ही पहचान देखी और इनकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी लड़कों जैसी ही हो, उनकी आवाज ऐसी है ये नहीं पूछेंगे ते। और भाई साहब और क्या हाल है, चाल है छोटे। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ बिचल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा लेडी बॉय कौन है। और क्लब के बारे में तो लिख कर 100% रियल लेडीज इनसाइड क्योंकि चक रहे नए नवेले टूरिस्ट को। साथ में आपको एक रशियन क्लब की भी झलक दिखा देता हूँ। और मजे की बात यह है कि पुलिस भी यहीं घूम रही है, पुलिस भी टेंशन फ्री घूम रहा है यहीं, और उसी के बीच ये सब चलता रहे क्योंकि यही इनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा। वॉक में चल दिया क्या, चलो भाई कर लो करो, अभी तो पैदल वालों की है। एंड यहाँ पे 1 ग्राम 700 बात का है और यहाँ पे पूरा लीगल है, इतना लीगल की पुलिस भी यहीं पे खड़ी रहती है गांजे के चौक के जस्ट बाहर ही। ओडा सिटी देखो तुम, ओडा सिटी पीछे ही गर्ल्स और पीछे ही पुलिस से बारटेंडर लड़ रहे हैं आगे। रे बाबूजी द सेवियर चप्पल लिया है भाई हम तो, एकदम हवाई में पहनने वाली अड्डा की यहाँ पे मिली भाई, अड्डा फेमस ब्रांड है, हम तो कम मांग रहे थे यार इसकी अलग से ले आता एक पन्नी। हाँ आगे का प्लान में बता दे रहा कि अभी हमारा शुरू के 3 दिन प्लान था बैंकॉक और पताया, मतलब एकदम छिनाला वाली जगह एक्सप्लोर करने का, देखने का कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। और तुम्हें पता है जहाँ दारू और जहाँ ये सब छिनाला है वहाँ पे टैटू शॉप जरूर होती है क्योंकि नशे में निकला था आदमी टैटू जरूर करवाएगा। और देखो दर्द नहीं होता, मैंने सुना नशे। हाँ हमने तो यहाँ पे एक ही लड़की पटाई, वो है ये, मैं करवा सकूँ टैटू, मुझे दर्द ही दर्द है तेरा, तो मैं इसका हेड दे दूंगा ले वेगा हेड इसका। और इसके बाद हम जा रहे हैं फूके और कराबी, और कराबी जाने में नहीं पहले कराबी फिर फूके, कराबी जाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो हम जब दिक्कत हमने जहाँ पे सॉल्व कर ली वहीं पे जाके बताएंगे कि कहाँ पे जाके सॉल्व कर, शाम को बता पाएंगे हाँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे हमने प्लान किया ना वैसे ही करें तो ज्यादा बेटर है ना, आपको पूरा एक ना हम बता देंगे लास्ट में हमने कैसे कैसे प्लान, आर्टिनरी बोल रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं कि पूरे हफ्ते कैसे प्लान करना आपको अगर एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं। अभी मैं सच बता दे रहा कि मैं बत्ते ज्यादा छिनाले वाली करूँ, मैं इतना हूँ नहीं ना हमारे अंदर घट से, हम तो भाई एक्सप्लोर करते चल रहे आपको बता रहे। नो नो बताते बताते ये आंटी वाली थी चिपकन भाई, और ये बात भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनका कुछ खो दिया हो हमने एकदम आई वो यार यू मगर क्या हुआ यार शायद वीडियो नहीं बनानी होगी। हाँ तो कह रही नो मैसेज, मगर नो नो यू डोंट यू नो मैसेज, मगर नो आई डोंट नो, हम तो चल रहे भाई जहाँ भी ऐसा कुछ दिखे। तो अरे यहाँ यार यहाँ तो लेकिन सब कुछ पैसे से है, यहाँ को यूँ आ रहा हो कि कोई ट्रस्टवर्दी है किसी की बंदी बन जाएगी तो मतलब नहीं, वो तो गलत फहमी है किसी की, यहाँ तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा भाई यहाँ तो किसी पे। लेकिन हाँ अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा ना मसाज सेंटर पे स्पा मसाज वाले वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं बताऊंगा आज वाली जगह पर क्या है, यहाँ पर बीचेस अच्छे हैं, यहाँ पर आपको लोकल में बहुत कुछ मिल जाएगा घूमने के लिए घूमने का। और जो वो है ना देखो मैं अच्छी जगह बता दे रहा हूँ यहाँ क्या था, ये जो पताया बीच है ना ये बहुत बढ़िया जगह है, पताया बीच पे कुछ भी ऐसा अडल्ट्री वाली चीजें कुछ भी नहीं है। और एक बैम्बू बीच वो छोटा बीच था शांत बीच था लेकिन हाँ बैम्बू बीच भी अच्छा था और ये वाला पताया बीच भी अच्छा था। और कल जाम जा रहे हैं वो भी बढ़िया है, वो सब फैमिली वाली जगह है। ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है और एक दो स्ट्रीट पर जाम गए ना स्ट्रीट जहाँ लग गई ना वो थोड़ा सा वैसा वाला सीन घूमने वाला हिसाब है जबरदस्ती वाला। और बाहर के लोग इनके लिए कहना वॉकिंग मनी है, पैसे तारने की स्कीम है बाहर के लोग पैसे तार रहे भाई यहाँ तो। यहाँ तो ये है अगर आपसे 200 बात किसी ने मांग लिया ना 100 बोल लो, 1000 मांग रहा तो सीधा 500 बोल लो, आधा बोल लो, पूरा डबल बताओ, डबल से भी ज्यादा। बस एक यही वह चीज है जो यहाँ पे खा सके हैं आराम से बिना कुछ सोचे समझे। रात के कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे रात के 12 बज रहे। मैं इंडिया से देखने वाली फैमिली को तो बता दो क्या बज रहे, अरे इंडिया में तो कहना 10 बज रहे, हर चीज में ही पीछे है। एक ही मांग रही बात तो सिक्का यार मैंने कहीं रख दिया है लिखे मैनेजमेंट रख दो तो सुना मेरा। हाँ तो बता दो तो ये विंग मशीन है इसमें एक बात में 2.5 रुपए में आप अपना वेट चेक कर सो। दिस इज 1 बार तू मेरे से सिर्फ 4 किलो भारी रह गया और क्या खत्म किया बोले अच्छी बात है फिट हो रहा पकड़ी फिट क्या हाँ फिट किया गया ओवरवेट होना अच्छी बात शरीर के लिए तो बुरा है ओवरवेट रुक जाओ किंग को देख कर ना।
तू भी एग्जैक्ट मेरे जितने ही है। पर एक तुम देखो ना, तुम्हारी हाइट भी तो झांड भरी है, मैं तो फिर भी 6 फुट का, इसीलिए तो कह रहे ज्यादा होना चाहिए। 76 किलो 70 किलो फालतू हो गया तू, ओवर हो तेरी हाइट और मेरी हाइट, मैं 2-1 इंच का तो मर गई। ये यार 6 किलो का मैं तो फिट भी तो हूं, एब्स भी तो है भाई वहां कर रखे 6 किलो का, मैं यार 1-1 किलो तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है साले। और फिर से हम 7-11 में कुछ ऐसा लेने के लिए जो वेज हो और जो हम रात में खा सकें, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट सारे हो गए हैं बंद। राजमा चावल है? नहीं यार, राजमा चावल तो नहीं है, दही है नीचे तो फिर दही है। मुझे तो यहाँ वो चाहो ट्रांसलेट कर दे, गूगल लेंस अपने फोन में कर ले डाउनलोड, यार मेरे में नेट नहीं है। लेकिन इन्हें तू पड़ेगा ये कुछ और ही सब्जी निकल जाऊंगी, आलू पालक वही तो। यो मूंगफली का पैकेट 25 बात का लगभग 70 रुपए का ले ले, से नून भी ले लेंगे। देखो यहाँ पे 1 बज गए, अबे इंडिया में भी देर होगी भाई, मैं सोच रहा था 10 बज रहे होंगे। देखो थाईलैंड के हिसाब से हो रहा है अभी 1:08, अपने इंडिया के हिसाब से 11:30। पर यार ये भी भरोसा नहीं कि ये वेज है या नॉन वेज। वैसे तो मेरी वेज की वर्जिनिटी टूट चुकी, कल मैंने गलती से चिकन बर्गर में एक बुड़का मार लिया। इनको वेजिटेरियन का मतलब ही नहीं पता, हमने एक बर्गर मंगवाया लक्ष्य का तो था चिकन बर्गर, और मैंने कहा कि सेम बर्गर इन वेज, वो ले आई, उसमें पता नहीं कुछ डिफरेंस बताया, मुझे लगा होगा, मैंने बुड़का मारा, मैंने आलू बड़ा अजीब सा है, फिर देखा आलू नहीं मुर्गा था। बड़ी मुश्किल 3 तरह के नूडल्स तो लिए जो हमें वेज लग रहे। ये तेरे लिए है वीटा मिल्क रॉयल थाई टी, भाई होने पता कदर टी के नाम पे मुंह थी प्यादे, मुंह इतनी प्यूटी हो गया, मुंह होगा तो पी लिया। एक एक नूडल में बहुत ध्यान से देख रहा, मुझे लगा चीज है उसमें ना एकदम प्रॉन का फेस सा बनना ही हैप्पी वाला, मैं सोच रहा था वो एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो बना रखी है इन्होंने। एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो पहले ली गई थी उन नूडल्स को बनाने के। देख जैसे इंडिया में कोई सा ऑक्टोपस को सोचेगा कि ऐसे ही मुझे बना रखा, लेकिन ये कटा पड़ा, ये इसके अंदर है वो हाथ हिला रहा भाई, इतना सारा डंगा। कितने का बता? 218 बात का, समझ गया 218 218 वो यूं सोच में पड़ा था, उसे लगा तेना 200 बोल रहा। एटीएम है ना, एटीएम भी यहीं मिल गया। हेल्पफुल तो है लोग, पर ये नहीं पता कि कौन हेल्प करते करते कौन ज्यादा हेल्पफुल है कौन कम। बड़ा सीधे 500 रुपए एटीएम यूज करने के। कार्ड नहीं आया? कार्ड दिखाओ। नहीं भाई कार्ड इन्हें वापस दे दिया होगा। कार्ड यार, अब मैं बताऊँ उस कार्ड में क्या दिक्कत हुई, अब नहीं आने का, नहीं आने का, उस लगा के निकालना था, उसमें अंदर वो चिपकन सी थी, अब वो अंदर चिपक सी गया। इस रूम में बस इतनी डिम सी लाइटें हैं और कुछ नहीं है इसमें, तो ये तुम कुछ ज्यादा मान रहे हो, कहना समुंदर के नाम पर ही छाप रखे पीछे तो। चलो तब तक तुम लोग वीडियो पे काम करो, मैं जरा बाथटब में मजे लेके आऊं। इन 3-4 बात पड़े मेरे पे सिक्के, तुम्हें दिख रहे होंगे भी खन गए, इनमें कुछ हो सकता हो तो बताइए मुझे, अगर इनमें कोई मुझे सपोर्ट दे सके इमोशनल। क्या कह रहा है? नहीं कह रहा, मेरे कॉलेज में फेस्ट था, मेरी तुम्हारी वजह से मेरा फेस्ट मिस हो गया। हमारी वजह से वही चल रहा, लड़के दस्ते थे यार आने को, मना गया था यार, सबके ऊपर तू जलाए, भाई चल ले प्लीज, पर गलती कर दी कहना यार, दोस्ती का है नहीं भाई हिसाब। यार यहाँ के तो बिस्कुटों में भी अजीब टेस्ट है नहीं, सॉफ्ट से है, चिकन ही तो नहीं है, चिकन बिस्कुट भाई। रोटी देखो तो कहना, और सही हो गया यार, वो रोटी तोड़ के और फिर छाछ अभी खीरा, बिना रोटी के तो घर परिवार है ही नहीं, बसावट सी है ही नहीं शरीर में। खाना तो मैं राजस्थान वाला मिस कर रहा, बस यहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिल जाता थाईलैंड में, वो जो उस दिन मिला था वो तो कुछ था रास्ते में जो हमने खाया थी, छाछ मंगा के रहते, सपोर्ट देने आ रहा है, कुंडी खुली रखी है बस, और तेज बजा वही है। अर्धे नंगा बैठा रहा, हल्का सा दिख रहा होगा, हल्का सा तो ग्लिम्स आया होगा इसका नंगोडी का, ये तो ज्यादा खुल गया। सुबह मैं बाथरूम की कुंडी नहीं लग रही थी, वहां ना रहा बड़े भाग भाग के मंगा नहा ले भाई, तो रात को रास्ता भूल गया भाई, उधर से जाके ले गया इसका खाना आ गया रिसेप्शन पे, वेज वाले हैं वेज की छो दें। और हमने तो भाई भर लिया अपना पानी, और अकेले नहाने की मुझे हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे लगे डर बाथटब से, मतलब नहाने में मजा भी है, पर मैंने हॉलीवुड की फिल्में देख रखी, मौत साली इसमें ही आवेगी, तो इसमें मौत ना आ जाए तो अपने रूम में आ गए, ये वाला पूरा रूम खाली है। मैं क्या चाल चलूं पता, जैसे कि हम 2 रूम लेंगे कहीं भी, तो पहले वाले में घुस जाऊं, पहले सबसे पहले तो सारे उसमें घुस जाऊं, बैग वैग चप्पल चुप्पल इधर उधर सारा गंदा हो जाए, वही यूज करें सब बाथरूम घूमने से पहले, उसके बाद रात को आओ अपने रूम में, तब कार्ड लगाओ अपना रूम, तब खोल लो, तो बिल्कुल खाली पड़ा इस टाइम। एपरम तो आ रहेगी, अब अक्षित वगैरह नाने को साथ में, तो 2 लाने पड़ेंगे। इन होटल में दिक्कत ही है यार, ये ना पूरे कपल फ्रेंडली होटल है, मतलब कपल फ्रेंडली भी क्या कहूँ कि कपल्स के लिए है, बेसिकली कपल्स के लिए बने हुए। तो ना ये देखो, ये जो ये विंडोज ही है, ये अंदर से तो खुला ही है, कोई लोग नहीं है इसमें, ना इधर ना इधर, और ये आप चाहे बाहर से खोल लो, मतलब जैसे हम यारी दोस्ती में रुके हुए, तो अगर कोई बेचारा चाहे अगर टॉयलेट यूज कर रहा तो वहां से खोल लो खिड़की कोई, अपना देखो मजे लो। वो तो ये है कि हमारे में है डर शर्म एक दूसरे का थोड़ा सा, तो नहीं करते ये सब काम, नहीं तो अब लोग तो सारों की वीडियो बनाकर ओनली फैंस पे वायरल कर सकता। पर इस टाइम चौधरी साहब एप्रोन पहनने वाले, एप्रोन का मजा लेंगे। मैं रिएक्शन लेना सोच रहा तेरा, जा नहीं रहे एकदम डीप टिश्यू मसाज पे ही नहीं जा रहे अब दोनों भाई, दिवस मसाज बैठी भाई यहाँ खड़ा हुआ यूँ देख रहा मैं पीछे आया भाई, ग्रीन दिख रहा हूँ मुझे तो इस टाइम, रेड भी है ना, तो
ये तो बिल्कुल प्योर वेज है भाई। भाई नहीं यार तू पागल है क्या, ये तो प्योर वेज है। तू पागल हो गया यार, क्या ऑर्डर करा तुमने? भाई हमने तो वेज करा था, वेज ही लग रहा है यार मुझे। ये तो व्यू आ रहा हो, ठीक है खुद को दिखा नहीं सकता मैं। अरे यहाँ छबल छबल हो रही हो, यो ज्यादा गर्म कर दिया मैंने पानी, पूरा उधर को चला दिया था रेड पे, अब थोड़ा सा ठंडा कर रहे यार, इसमें ठंडा मिला रहे। बताओ इस व्यू का ही मजे नहीं गए, इस व्यू के पैसे नहीं गए नो बता। अरे यहाँ पड़े हो काले और पिंक कलर के कपड़े, अभी आ जा अगर एक कोई यहाँ से चढ़ गए बैठे में तो यही थी गाड़ बट जाएगी तुमने ये नंगे को जम्मो में तो पुल बना देगा आज वीडियो यार। हुआ तो अब पैर की मसाज लाइव हो गया फिर तो यार लोग ही सच्चा हमने नहीं चलो स्लीप पहन रखा। अरे नहीं नहीं चल दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन बैठ इतने भी नहीं खुले देख अब फिट हो गया मुझे लग रहा बंद कर देना यार चाचा की भूख जाएगी बल लेंगे बैग सो जी तेरे भाई के छत्ते पर सही नहीं देख छत्ते दिखा कहां रहा मेरे नहीं अपने यहाँ तो बिल्कुल नहीं भाई, हाँ है मेरे चार वाले वही कैमरा वहां लगा दूंगा कोने में समझा तू क्या है देख इसमें लिखा ना लोग अनलोक, अब इसे पहले अनलॉक कर दे इधर घुमा दे ठीक है घुमा दिया, अब इसमें से तार निकाल और ये तार पकड़ 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 मेरा एक हाथ काम निकलने का वहीं पकड़ ले एक सेकंड ए यहाँ डाल दिया। अरे मैं छोड़ना अब इस पे क्या सूखेगा, इस पे देसी लड़कों के कच्चे सूखेंगे हाँ मैं पहले सोच रहा था उल्ला करने को क्योंकि यहाँ से पर्दे लगा दो तो परमा का उधर से तो उल्ला हो जाएगा कौन करेगा उल्ला यहाँ से तो सब कुछ दिखेगा तुम्हारे के लड़के तो पूरा भर के बैठ गए यू ही नहीं देखा जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसका लेवल कहाँ जाएगा। अब ये बुलबुले से तेरा गाइस को देखो गाइस एडिटिंग करने को कह रहे थे सो गए चार बज रहे सो जाओ तो सुबह करियो एक चीज तो सीख ली मैंने यहाँ पे जो शॉप वगैरह पे लड़कियां रहे ना और जैसे वो कहें कि समथिंग फॉर 200 बात हम कहते हैं नो नो 150 करेगी नो माय फ्रेंड एक वो भी तो गया एक टैक्सी वाला कह रहा 300 बात में जाऊंगा हमने कहा सो माय फ्रेंड है तो क्यूट रहे यार ये या टैक्सी टैक्सी मैंने कहा या पता या टैक्सी अरे एक वो तो चिपट गई थी वो स्ट्रीट पे खींच लिया था मैं सही उससे बकचोदी में हूँ मैंने कहा मेरे को ऊपर फुल बॉडी में कह रही ना मगर हमारे सभी एडवांस चल रहे 2000 बात तो हमारे बाबा ने यूज करूंगा 2000 का बात नहीं दिया करेंसी में दो लड़के ताज पैराडाइज में घूम रहे टाइम बता दे क्या हो रहा 4 बज रहे आज बहुत गहरी बातें कर दी हम दोनों भाइयों ने।